सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। डीएमके नेता और तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की कार्यवाही के दौरान सेंथिल बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें उमंदुरार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। छापा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित सेंथिल के घर के अलावा उनके पैतृक निवास करूर में भी मारा गया है। डॉक्टर्स ने सेंथिल बालाजी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। डॉक्टर्स ने बालाजी का आज सुबह एंजियोग्राम किया था। इसमें उन्होंने 3 ब्लॉक देखे और बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी है। जांच एजेंसी ने जिस समय सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर छापा मारा, उस समय वह मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। जैसे ही उन्हें छापेमारी की सूचना मिली, वह टैक्सी लेकर घर लौटा। सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद डीएमके एक्टिव हो गई। पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। डीएमके ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी पार्टी भाजपा के डराने धमकाने की राजनीति से नहीं डरती। डीएमके नेता को अस्पताल लाए जाने के बाद अस्पताल के बाहर भारी ड्रामा देखा गया। ईडी के एक्शन के बाद जब सेंथिल ने सीने में दर्द की शिकायत की तो उन्हें अस्पताल लाया गया। इस दौरान उनके समर्थकों ने हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने घर पर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई। इस मुद्दे पर स्टालिन कानून टीम के साथ भी बैठक करने वाले हैं। सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद राज्यसभा सांसद एनआर एलंगो का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सेंथिल को ईडी ले गई, हमें नहीं पता कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। बता दें कि कुछ समय पहले ही सेंथिल के ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने भी रेड की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने सेंथिल के खिलाफ कथित कैश फॉर जॉब घोटाले की पुलिस और ईडी जांच की अनुमति दी थी। यह मामला 2014 का है, जब सेंथिल अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थी। सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस ने भी सेंथिल के खिलाफ एक्शन का विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखकर कहा, तमिलनाडु के बिजली मंत्री थिरुवी सेंथिल बालाजी के कार्यालय में तलाशी के लिए ईडी के घोर दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। ये डराने धमकाने और परेशान करने के लिए मोदी सरकार की बेशर्मी से भरी कोशिशें। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस तरह से खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग मोदी सरकार की पहचान रही है। इस तरह की हरकतें विपक्ष को चुप कराने में न कामयाब नहीं होगी, बल्कि ये मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक संघर्ष को जारी रखने के विपक्ष के दृढ़ संकल्प को और मजबूत करती। खबरी चौखट की रिपोर्ट।